श्री सुनक ने पत्नी के साथ लंदन के मंदिर में की जन्माष्टमी पर पूजा। शेख हसीना ने कही बड़ी बात। दुनिया भर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम पद की दौड़ में अग्रणी ऋषि सुनक ने भी जन्माष्टमी के मौके पर लंदन के मंदिर में पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उधर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जन्माष्टमी पर्व पर देश में रह रहे हिंदुओं से कहा कि मुझे भी उतना ही हक अधिकार है जितना आपको है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री सुनक पत्नी अक्षता के साथ लंदन के भक्ति वेदांत मेनोर टेम्पल में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे। सुनक ने ट्विटर पर लिखा, मैं लोकप्रिय हिंदू त्यौहार जन्माष्टमी को, जो कि भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, एक दिन पूर्व एडवांस में मनाने के लिए पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मंदिर पहुंचा। इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी साझा की। सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता हैं। वे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हैं। वे जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। इस्तीफा देकर जॉनसन के उत्तराधिकारी बनने की होड़ में हैं। हालांकि अधिकांश सर्वेक्षणों में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से वे पीछे चल रहे हैं। टोरी वोटरों के ताजा सर्वेक्षण में कहा गया है कि लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनने की दौड़ में अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। बुधवार को आए नवीनतम कंजर्वेटिव होम सर्वेक्षण का भी वही नतीजा आया है जो अगस्त की शुरुआत में आखिरी बार आया था। तब ऋषि सुनक 26% और ट्रस को 58% वोट मिले थे। बांग्लादेशी हिंदू खुद को अल्पसंख्यक ना माने, बंगाल से ज्यादा यहां लगते हैं दुर्गा पूजा पंडाल। पीएम शेख हसीना। उधर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जन्माष्टमी के मौके पर देश के हिंदू समुदाय के लोगों से कहा कि वे खुद को यहां अल्पसंख्यक ना माने। उनको जितने अधिकार हैं उतने बांग्लादेशी हिंदुओं को भी हैं। ढाका में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान लगने वाले मंडपों की संख्या पश्चिम बंगाल से ज्यादा होती है। उन्होंने हिंदुओं व अन्य धर्मों के लोगों से कहा कि वे खुद को अल्पसंख्यक ना माने। मुस्लिम बहुल देश में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार हैं।